दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि कोरोना की नोएडा में भी एंट्री हो गई है। कोरोना संक्रमित मरीज नेपाल से लौटा था, वो नोएडा के सेक्टर 36 का रहने वाला है। 42 साल का मरीज दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एमएनसी में काम करता है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी भेज दिया है, वहां उसकी जांच। वही गाजियाबाद में लगातार दूसरे दिन कोरोना का केस सामने आया है। विजयनगर में रहने वाले 36 साल के युवक में कोरोना की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग कोविड संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की भी पहचान कर रहा है और उनकी जांच में जुटा हुआ है। साथ ही संक्रमित मरीजों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी भेजे जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के नए सब वेरियंट के 2 और मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना के नए सब वेरियंट के 4 मरीज हो गए हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। राजस्थान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने लोगों को हल्की सर्दी, खांसी, बुखार या गले में खराश होने पर समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की भी सलाह दी है। एक अधिकारी ने इसमें बताया है कि बुधवार को जैसलमेर में JN1 सब वेरियंट के 2 कोविड मामले सामने आए थे, जबकि गुरुवार को जयपुर में इसी सब वेरियंट के 2 और मामले सामने आए हैं। उनके बयान में कहा गया है कि एक मरीज झुंझुनू का निवासी है, जबकि दूसरा मरीज भरतपुर का रहने वाला है। राज्य के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने गुरुवार को एडवाइजरी में कहा है कि अगर हल्की सर्दी, खांसी, बुखार या जुकाम और गले में खराश से पीड़ित मरीज समय पर चिकित्सीय सलाह ले तो बीमारी को ज्यादा प्रभावी ढंग से और तुरंत नियंत्रित किया जा सकता है। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अगर संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो पास के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की सलाह के मुताबिक COVID-19 का परीक्षण और उसका उपचार जो है वो समय पर किया जाना चाहिए। वही देश की बात करें, भारत की बात करें तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में नए सब वेरियंट की कोविड के मामले सामने आए हैं। उधर गोवा में एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने इसमें कहा है कि कोरोना के सैंपल में सब वेरियंट JN1 पाया गया है, लेकिन ये पुराने मामले हैं और अब ये एक्टिव नहीं है। इस प्रकार का पहला मामला 8 दिसंबर को केरल में पाया गया था, जिसके बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नियंत्रित निगरानी बनाए रखने का भी आग्रह किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर।